नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले अपने संभावित मंत्रियों को पीएम आवास पर बुलाकर कामकाज को लेकर अहम दिशा निर्देश दिए। मोदी कैबिनेट में एक बार फिर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह को शामिल किया जा रहा है। राजनाथ को पिछली बार रक्षा मंत्रालय, गडकरी को सड़क एवं परिवहन और अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इस बार मोदी मंत्रिमंडल 3-0 में जगह मिली है। पीयूष गोयल भारत सरकार में रेलवे मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के पास अभी शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार है। देखना है कि इस बार किसे क्या मंत्रालय मिलता है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले अपने संभावित मंत्रियों को पीएम आवास पर बुलाकर कामकाज को लेकर अहम दिशा निर्देश दिए। मोदी कैबिनेट में एक बार फिर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह को शामिल किया जा रहा है। राजनाथ को पिछली बार रक्षा मंत्रालय, गडकरी को सड़क एवं परिवहन और अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इस बार मोदी मंत्रिमंडल 3-0 में जगह मिली है। पीयूष गोयल भारत सरकार में रेलवे मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के पास अभी शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार है। देखना है कि इस बार किसे क्या मंत्रालय मिलता है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले अपने संभावित मंत्रियों को पीएम आवास पर बुलाकर कामकाज को लेकर अहम दिशा निर्देश दिए। मोदी कैबिनेट में एक बार फिर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह को शामिल किया जा रहा है। राजनाथ को पिछली बार रक्षा मंत्रालय, गडकरी को सड़क एवं परिवहन और अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इस बार मोदी मंत्रिमंडल 3-0 में जगह मिली है। पीयूष गोयल भारत सरकार में रेलवे मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के पास अभी शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार है। देखना है कि इस बार किसे क्या मंत्रालय मिलता है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले अपने संभावित मंत्रियों को पीएम आवास पर बुलाकर कामकाज को लेकर अहम दिशा निर्देश दिए। मोदी कैबिनेट में एक बार फिर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह को शामिल किया जा रहा है। राजनाथ को पिछली बार रक्षा मंत्रालय, गडकरी को सड़क एवं परिवहन और अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इस बार मोदी मंत्रिमंडल 3-0 में जगह मिली है। पीयूष गोयल भारत सरकार में रेलवे मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के पास अभी शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार है। देखना है कि इस बार किसे क्या मंत्रालय मिलता है।